इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले बात आज शाम होने वाले मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। खास बात यह है कि पीएम मोदी की दूसरी सरकार का यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार है और आज जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें ज्यादा तवज्जो एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के नेताओं को दी जा सकती है। आज के कैबिनेट विस्तार में उस समाज के नेताओं को भी तरजीह दी जा सकती है जो अब तक वंचित रहे हैं। नरेंद्र मोदी के आज के मंत्रिमंडल में अलग अलग करीब 20 जातियों के नेता दिख सकते हैं। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट एक्सपेंशन में पीएम मोदी उन राज्यों पर फोकस कर सकते हैं जहां चुनाव होना है या फिर जहां जातीय समीकरणों को साधना है। आज 20 से ज्यादा नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं जिनमें कई नए चेहरे तो कई अनुभवी नेताओं को मौका मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा और आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें ज्यादा तवज्जो एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के नेताओं को दी जा सकती है। आज के कैबिनेट विस्तार में उस समाज के नेताओं को तरजीह मिल सकती है जो अब तक वंचित रहे हैं। नरेंद्र मोदी के आज के मंत्रिमंडल में अलग अलग करीब 20 जातियों के नेता दिख सकते हैं। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट एक्सपेंशन में प्रधानमंत्री मोदी उन राज्यों पर फोकस कर सकते हैं जहां चुनाव होना है या फिर जहां जातीय समीकरणों को साधना है। आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें सारे राज्यों और रीजन्स का प्रतिनिधित्व होगा। कई पूर्व मुख्यमंत्री इस मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता भी हो सकते हैं जिन्हें राज्यों में मंत्री रहने का अनुभव है, उन्हें भी आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि आज का मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगा। समारोह में शामिल होने वाले हर शख्स का, चाहे वो नेता हो या उनके परिवार का कोई सदस्य, सबका आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी होगा। साथ ही आज के समारोह में मंत्री की शपथ लेने वाले परिवार से केवल एक सदस्य को शामिल होने का मौका मिलेगा। आपको बताते हैं कि वो 5 बड़े नाम कौन से हैं जिनका आज मोदी कैबिनेट में करीब करीब मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इनमें मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के बड़े नेता और पूर्व सीएम सर्वानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम नारायण राणे, यूपी से अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और जेडीयू नेता ललन सिंह के नाम शामिल हैं। इन बड़े नामों में सबसे पहले बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की कर लेते हैं। सिंधिया ने जिस दिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी उसी दिन तय हो गया था कि वो मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने में मदद की थी। कांग्रेस तोड़ दी, इसका इनाम तो उन्हें मिलना तय था। इस हिसाब से सिंधिया को बहुत पहले मंत्री बन जाना चाहिए था, लेकिन सिंधिया को लंबा इंतजार करना पड़ा। मध्य प्रदेश में सरकार बनने के तुरंत बाद कोरोना का प्रकोप छा गया, देश भर में लॉकडाउन लागू हो गया और बार बार मंत्रिमंडल का विस्तार टलता रहा। अब पिछले हफ्ते भर से उनके नाम की चर्चा थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि एमपी का एक दौरा उन्होंने बीच में सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उनको कॉल आया था कि उनको दिल्ली में आना है मंत्री पद के शपथ के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी के कद्दावर नेता है। मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़कर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। यूपीए 1 सरकार में दूरसंचार राज्य मंत्री रहे, यूपीए 2 सरकार में वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री रहे और यूपीए 2 सरकार में ऊर्जा मंत्री भी रहे। खास बात यह है कि 4 बार लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में वो हार गए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।